और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम, और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफी आवाज भी लगाई इनके स्टाफ में। पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। टेबल से मैंने ने बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैं ऐसे मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम, और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में। काफ़ी बारी उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक होता ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा। बिल्कुल इंसाफ करेंगे। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। For more informative videos like this, keep watching India Today NewsMo.